हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी को मोटोमैक्स प्रोडक्ट स्प्रे के बारे में बताने जा रहा हूँ। यह पीडीलाइट कंपनी का है। आप सभी जैसे देख पा रहे होंगे, पीडीलाइट का लोगो भी है। आप इसे अपने व्हीकल पर किसी भी पार्ट पर यूज सकते हैं। ओनली यह डस्ट प्रोटेक्शन के लिए होता है मेन तो, और शाइनिंग के लिए। सबसे पहले हम अपने कपड़े से अपनी स्कूटी के और डस्ट को अच्छी तरह साफ करेंगे। डस्ट को साफ करने के बाद देखिए, अब मैं डस्ट को साफ कर रहा हूँ अच्छी तरीके से। देखो, मैंने कल वॉशिंग की थी और उसके बाद मैं इसको बाहर ले गया, इसके कारण व्हील पे भी जमा हो गया था। व्हील आप इंजन पे देख सकते हो, पानी के डब्बे बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं। सबसे पहले हम इसके डस्ट को साफ करेंगे अच्छी तरह से। जैसे आप देख पा रहे हैं उस वीडियो के अंदर, डस्ट कितने पानी के डब्बे भी हैं, डस्ट भी है व्हील के ऊपर। उसके बाद हम एक सॉफ्ट क्लॉथ का प्रयोग करेंगे, उसके ऊपर हम मोटोमैक्स का स्प्रे यूज करेंगे। इस तरह यूज करने के बाद हम अपने जो डैशबोर्ड है उस पर हम यूज करके दिखा रहा हूँ आपको। मैं देखो, ऐसे रब करेंगे हल्के हाथों से, बिल्कुल ही जितना हम ज़्यादा उसको रब करेंगे उतनी ज़्यादा हमारे पीवीसी की जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर शाइनिंग आएगी। देखो, आप सभी देख भी पा रहे होंगे, मैं यूज कर रहा हूँ बिल्कुल हल्के हाथों से। आपको बिल्कुल हल्के हाथों से इसका उपयोग करना है। आप सभी देख पा रहे होंगे, जिस जगह पर ज़्यादा पानी वानी के निशान हो वहाँ पे आप सीधा प्रोटेक्ट मोटोमैक्स स्प्रे का यूज करें, और उसके बाद हल्के हाथों सॉफ्ट कपड़े का प्रयोग करके ही रब करें। वहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा लुक, क्लीन लुक मिलेगा। आप सभी देख सकते हैं, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप सभी देखिए कि कैसे मोटोमैक्स का स्प्रे यूज करते हैं। मोटोमैक्स स्प्रे के यूज के बाद आप सभी 360 रिव्यू देख सकते हैं कि कैसे उसके बाद शाइनिंग आई है। अंदर भी देख सकते हैं डैशबोर्ड के, जैसे आप सभी देख ही पा रहे होंगे।